गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये दो चीज क्या है, कौन बताएगा मुझे? हाँ आप बताइए। बल्ब, वेरी गुड। ये क्या है? ये बल्ब है। ये हम अपने घर में रेगुलर यूज करते हैं। अच्छा तो आप बताइए कि आपके घर में कौन से बल्ब यूज किए जाते हैं, कौन सी कंपनी के बल्ब यूज करते हैं? हाँ कौन बताएगा? हाँ आप बोलिए। वेरी गुड। कौन सी? अच्छा फिलिप्स कंपनी के। अच्छा तो बहुत अच्छी कंपनी होती है। तो आप मुझे बताइए कि फिलिप्स कंपनी के बल्ब भी क्यों हम यूज करते हैं? कौन बताएगा कि हम फिलिप्स के बल्ब भी क्यों यूज करते हैं? हाँ बताइए। क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, उसकी मतलब वो चलता भी बहुत लॉन्ग टर्म तक है ना, उस पर लिखा होता है कि भाई इतने एक साल की वारंटी गारंटी होगी। वेरी गुड। अब हम जब किसी की गारंटी देखते हैं, किसी प्रोडक्ट की वारंटी देखते हैं, तो उसमें और क्या देखते हैं? हाँ बताइए। गुड। हम उसका कॉस्ट भी देखते हैं कि वो कितने का है, कितने मूल्य का है। वेरी गुड। अब मुझे बताइए कि जब हम कोई गारंटी वाली चीज खरीदते हैं तो उस पे ऐसी क्या चीज होती है जो है ना इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और उसको जब हम उसी को देख के हम वो चीज खरीदते हैं, ऐसी क्या चीज? एक मार्क होता है जो गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है, उसको हम देख के खरीदते हैं। हाँ कौन बोलेगा? यस बोलिए। अच्छा फूड? नहीं बेटा फूड प्रोडक्ट नहीं, मैं तो इसकी बात कर रही हूँ, फूड प्रोडक्ट के मार्क की बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा हाँ कौन सा मार्क होता है? एग्रो? नहीं नहीं एग्रो मार्क भी नहीं होता है, एक और मार्क होता है जिसको हम यूज जो है ना प्रोडक्ट्स पे होता है। हाँ बताइए। हाँ बोलिए। गुड। ISI मार्क। तो बेटा आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ISI मार्क के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ISI मार्क। मार्क के बारे में पढ़ेंगे तो आप मुझे बताइए कि आपको इसमें क्या नजर आ रहा है? हाँ जी बताइए। वेरी गुड। क्या नजर आ रहा है? ISI मार्क। गुड। अब उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, कौन बताएगा? हाँ बताइए। यस गुड। ISI नंबर। वेरी गुड। सिट डाउन। अच्छा अब ये क्या लिखा हुआ है इसके नीचे, कौन बताएगा? कौन सा नारा लिखा हुआ है? हाँ बोलिए क्या लिखा हुआ है? गुड, सुरक्षा और विश्वसनीयता। वेरी गुड, सिट डाउन। अब हमको ये तो पता चल गया कि ये क्या है, ISI मार्क का प्रारूप। पर अब आप मुझे ISI मार्क के अर्थ के बारे में बताइए। कौन बताएगा मुझे ISI मार्क के अर्थ के बारे में? कौन बताएगा? अच्छा हाँ आपको थोड़ा सही बताया लेकिन हम उसको करेक्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ISI मार्क का अर्थ। अपनी कॉपी में लिखते भी जाइएगा बेटा, कैसे आपको जो मैं लिखूंगी वो। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि किन किन चीजों में ISI मार्क होता है। देखो ISI मार्क का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, भारतीय मानक संस्था। ओके, भारतीय मानक संस्था के अंतर्गत ISI मार्क 1986 में आया था, भारतीय मानक संस्था के अंतर्गत सन 1986 में। ISI मार्क उन्हीं वस्तुओं और उत्पादकों को प्राप्त किया जाता है, दिया जाता है, या उनको बोल एक तरीके से कह सकते हैं उनको प्राप्त होता है जो उचित गुणवत्ता वाली होती है और उचित मूल्य वाली होती है। देखिए जैसे ये अल्ट्राटेक सीमेंट है तो यहाँ पे ISI मार्क लगा हुआ है, जैसे ये हेलमेट है तो इस पे भी ISI मार्क लगा हुआ है, ये नॉर्मल सीमेंट से उनमें भी लगा हुआ है। तो मतलब ये सब क्या है, उचित गुणवत्ता वाली होंगी। तो चलो लिखिए अपनी कॉपी में ISI मार्क का अर्थ, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। और लिखिए भारतीय मानक संस्था 1986। शॉर्ट में लिख ली था कि आपको ध्यान रहेगा कि ISI का अर्थ फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, इसका अर्थ है भारतीय मानक संस्था। भारतीय मानक संस्था 1986 के अंतर्गत ISI मार्क लाया गया था जो उचित गुणवत्ता वाली और अच्छे उत्पादक होते हैं जिनकी वस्तुएं उचित गुणवत्ता वाली होती है उनको ही ISI मार्क प्रोवाइड करता है, जिनकी वस्तुएं उचित गुणवत्ता वाली व उचित मूल्य वाली होती है। सबने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया क्या? यस वेरी गुड। चलो अपनी कॉपी बंद कर दीजिए और अब आप मुझे बताइए कि ISI का फुल फॉर्म क्या है। कौन बताएगा मुझे ISI का फुल फॉर्म? हाँ जी बताइए। वेरी गुड, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। गुड। अब आप मुझे बताइए कि ISI मार्क को किस संस्था के अंतर्गत कब दिया गया था? हाँ जी बताइए। हाँ वेरी गुड, भारतीय मानक संस्था सन 1986। वेरी
वेरी गुड। अब मुझे बताइए कि आईएसआई मार्क किन वस्तुओं को दिया जाता है, किन वस्तुओं पर दिया जाता है, कौन से उत्पादकों को दिया जाता है? हाँ जी, आप बताइए। हाँ, जो वस्तु उचित गुणवत्ता वाली होती है। वेरी गुड, सिट डाउन। आप सबको समझ में आ गया आईएसआई मार्क का अर्थ? वेरी गुड। चलो बच्चों, हम आगे पढ़ते हैं। तो आप मुझे बताइए कि हम किस देश में रहते हैं, कौन बताएगा? हाँ आप बताइए। वेरी गुड, हम इंडिया में रहते हैं। तो मुझे बताइए इंडिया की जो कैपिटल है वो क्या है, क्या है भारत की राजधानी, कौन बताएगा? गुड, न्यू दिल्ली। अब मुझे बताइए कि न्यू दिल्ली में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन न्यू दिल्ली में किसका प्रधान कार्यालय है, कौन बताएगा मेरे को? हाँ जी, भारतीय मानक संस्था का। वेरी गुड। अब जब ये प्रधान कार्यालय है तो इसका पूरा एक संगठन बना हुआ होगा, कोई बता सकता है मुझे संगठन स्वरूप के बारे में? कोई बताएगा क्या? नहीं। तो चलो अब हम पढ़ते हैं आईएसआई कार्यालयों का संगठन स्वरूप। लिखिए अपनी कॉपी में आईएसआई कार्यालयों का संगठन स्वरूप। लिखिया सबने हेडिंग डाल दी। अब आप जैसे कोई भी संगठन होता है तो उसका कोई निदेशक तो होता ही है ना, तो आईएसआई कार्यालय संगठन का जो प्रधान होता है, जो डायरेक्टर होता है, और उसका जो कार्यालय वो क्या है, न्यू दिल्ली में। मैं बोलती भी जा रही हूँ और आप जो मेन मेन है हेडिंग वो नोट करते जाइए, आप इतने छोटे नहीं है कि आपको हमको नोट करवाना पड़े हर चीज, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे आईएसआई कार्यालयों का संगठन स्वरूप। देखिए इसमें साफ नजर आ रहा है, आप लिखते भी जाइएगा कि इसका प्रधान कार्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। लिखा आपने नई दिल्ली में, वेरी गुड। इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो है चंडीगढ़, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में। लिखा आपने, वेरी गुड। इसके जो शाखा कार्यालय है वो है जयपुर, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, दीसपुर, पटना, ग्वालियर, मेरठ, भुवनेश्वर एवं अहमदाबाद। आप इसको देखते जाइए और लिखते जाइए। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है, क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़, बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास में है, शाखा कार्यालय जयपुर, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, दीसपुर, पटना, ग्वालियर, मेरठ, भुवनेश्वर एवं अहमदाबाद में है। इन सबके अलावा इनकी 7 प्रयोगशालाएं होती है। ये भी लिख लीजिए कि 7 प्रयोगशालाएं होती है। लिखिए 7 प्रयोगशाला। प्रयोगशाला इसलिए कि आईएसआई मार्क जब प्रदान किया जाता है तो उससे पहले उत्पादक की गुणवत्ता देखी जाती है कि वो कौन सी जो चीज बना रहा है उसकी गुणवत्ता कैसी है। और इसके अलावा जो राजस्थान का शाखा कार्यालय है वो जयपुर में है। लिखिए राजस्थान का शाखा कार्यालय जयपुर में है। लिख लिया सबने, सबको अच्छे से समझ में आ गया? वेरी गुड। अब मैं इसको रेज कर रही हूं, सबने लिख ही लिया है। तो अब आप मुझे बताइए कि इसका प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है, कौन बताएगा मुझे? हाँ बताइए। वेरी गुड, नई दिल्ली में। इसकी कितनी प्रयोगशालाएं हैं, कौन बताएगा? हाँ बताइए, 7। वेरी गुड, सेट डाउन। अब आप मुझे बताइए इसके जो क्षेत्र कार्यालय हैं वो पूरे 10 हैं। अब 10 में से मुझे कोई 3 के नाम बता दीजिए। हाँ बताइए, वेरी गुड, ग्वालियर, मेरठ और पटना। गुड। देखो बच्चों, हमने आईएसआई मार्क का अर्थ पढ़ लिया, उसी कार्यालय का संगठन स्वरूप पढ़ लिया, हमको ये तो पता चल गया कि मार्क होता क्या है, उसके कार्यालय कैसे, कहाँ से आता है, उसके प्रधान कार्यालय क्या है, पूरा उसकी प्रयोगशाला क्या है, हमने वो भी पढ़ लिया। लेकिन अब हमको ये क्या पता कि मार्क मिलेगा कैसे, उसको हमको कैसे प्राप्त होगा, उसको क्या आवेदन कैसे करना पड़ता है कि हमको मार्क प्राप्त हो, ठीक है? तो अब हम पढ़ेंगे मार्क लेने की प्रक्रिया को। किसको पढ़ेंगे? अब आप ध्यान से देखिएगा मार्क लेने की प्रक्रिया। फर्स्ट है आवेदन करना। अभी हम क्या करेंगे, पहले तो हम आवेदन करते हैं। अब हम किसी भी चीज के लिए आवेदन करते हैं तो उसका एक प्रपत्र होता है, पूरा परफॉर्मा होता है, उसके बाद हम उसकी फीस जमा कराते हैं। फीस जमा कराने के बाद जो मार्क मानक संस्था है उस तक पूरी इन्फॉर्मेशन जाती है, फिर मार्क प्राप्त होता है। तो कॉपी में लिखिए मार्क लेने की प्रक्रिया।
प्रक्रिया के लिए सबसे पहले लिखिए कि हमको आवेदन करना पड़ता है मार्ग लेने के लिए जो भारतीय मानक संस्था है वहां से जो आवेदन पत्र प्रपत्र प्राप्त होता है संगठन से उस प्रपत्र में हमको सारी इन्फॉर्मेशन भर के आवेदन करना होता है कि हमको ISI मार्क चाहिए। उसके बाद हमको उसमें 1000 रुपए फीस डिपॉजिट करानी होती है। देखिए इसकी फीस कितनी है, 1000 रुपए इसकी फीस होती है, वो हमको जमा करवानी पड़ती है। उसके बाद जो भारतीय मानक संस्था होती है जिस भी प्रोडक्ट का जिस भी उत्पादक का हमको ISI मार्क चाहिए होता है उसकी पूरी जांच करती है, उसको प्रयोगशाला में ले जाती है, वहां उसकी जांच करती है। जो भारतीय मानक संस्था है उसकी कुछ मानक होते हैं कि ये इसमें गुणवत्ता ऐसी होनी चाहिए, ये प्रोडक्ट ऐसा बिल्कुल सही होना चाहिए, वो होता है तो ही वो हमको मार्क प्रदान करती है। पूरी पूर्ण गुणवत्ता की जांच की जाती है, उसके बाद वो पूरे मार्केट में उस पूरे प्रोडक्ट के बारे में पूछताछ करती है। उसके बाद सबसे लास्ट में भारतीय मानक संस्था ISI मार्क प्रदान करती है। उसकी पूरी उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी तो ही वो हमको मार्क प्रदान किया जाएगा, अगर हमारी गुणवत्ता सही नहीं होगी तो हमको मार्क प्रदान नहीं किया जाएगा। और ये ISI मार्क साल भर के लिए प्रदान किया जाता है। सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। तो अब आप अपनी कॉपी में जो लिखना है वो पूरा चार्ट बना लीजिए, बनाइए, लिखिए मार्क लेने की प्रक्रिया, आवेदन करना, फीस जमा कराना, भारतीय मानक संस्था और ISI मार्क हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लिखा सबने। अब आप मुझे बताइए कि भारतीय जो ये मार्क लेना होता है तो इसकी फीस कितनी है, कौन बताएगा? हाँ जी बताइए, वेरी गुड। कितनी होती है? 1000 रुपीज। अगर 1000 रुपीज की फीस होती है, अच्छा ये मार्क कितने टाइम के लिए प्रदान किया जाता है, कौन बताएगा? हाँ जी बताइए, गुड, 1 साल के लिए, वेरी गुड। तो बच्चों आज हमने ISI के का अर्थ, ISI की जो कार्यालय संगठन है वो, और ISI लेने की मार्क लेने की प्रक्रिया का विस्तृत रूप से अच्छे से हमने अध्ययन किया। ठीक है, चलो अब मेरे को मैंने पढ़ाया है, मुझे पता है कि आपको समझ में भी आया ही होगा, तो अब मेरे कुछ आंसर क्वेश्चंस के आंसर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो आप मुझे बताइए कि भारतीय मानक संस्था की स्थापना किस सन में हुई थी, कौन बताएगा? आप बोलिए, मैं आपका आंसर फिल कर दूंगी, कौन बताएगा? हाँ बताइए, वेरी गुड, 1986 में। ठीक है, ISI का पूरा नाम बताइए, कौन बताएगा? यस बताइए, गुड, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, वेरी गुड। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है कि ISI शाखा कार्यालय राजस्थान में कहाँ स्थित है, कौन बताएगा? यस वेरी गुड, जयपुर में। चलो बच्चों मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो एक अपना होमवर्क भी लिख लीजिए, ISI मार्क का अर्थ बताइए, लिखो जल्दी, ISI मार्क का अर्थ बताइए और ISI मार्क लेने की प्रक्रिया बताइए। ये आपको होमवर्क है और कल मैं सबकी कॉपी चेक करूंगी। ठीक है, होमवर्क में रिपीट कर रही हूँ, ISI मार्क का अर्थ बताइए और ISI मार्क लेने की प्रक्रिया बताइए। सबने नोट डाउन कर लिया? वेरी गुड, थैंक यू।